आप सबको मेरा नमस्कार. आज थोड़ी देर के लिए हम इस विषय को लेते हुए चिंतन मंथन करने वाले हैं और यह विषय यदि हम देखते हैं तो यह बड़ा ही सम्यक विषय है. आवश्यक ऐसा विषय है कि जिसके ऊपर इस भारत भूमि में जन्म लेने के कारण हम चिंतन मंथन करना ही चाहिए, करने के अधिकारी है और वो अधिकार हमने और चिंतन मंथन करते हुए प्राप्त करना चाहिए. आज यदि हम देखते हैं कि आधुनिक मानव की स्थिति क्या है, आज आधुनिक मानव के सामने क्या क्या संभावनाएं हैं, क्या क्या समस्याएं हैं, तो एक जो हम देखते हैं कि आज मानव जीवन को जो एक अतिवेग प्राप्त हुआ है, यानी एक्सेसिव स्पीड, जो भी करना है उसमें यानी ये होना है, वो होना है, वो होना है, इसके पीछे हम लगने के कारण हम भी दौड़ते रहते हैं और टेक्नोलॉजी ने भी हम दौड़ सके ऐसा पूरा माहौल खड़ा किया है. पहले हम आराम से घर में सो सकते थे, एक बार ऑफिस का काम हो गया घर में तकलीफ नहीं, फिर फोन आ गए, ठीक है टेलीफोन्स कम से कम घर में है तो ही समस्या है, तो मोबाइल आ गए, ठीक है मोबाइल है सिर्फ कॉल ले सकते हैं, अभी मेल भी आती है, यानी हम ये नहीं कह सकते कि नहीं मैंने मेल देखी नहीं, मैं बाहर था घर के बाहर, वो मोबाइल में मेल भी आती है, तुरंत देखिए, ड्राफ्ट देखिए, करेक्ट कीजिए, भेजिए, यानी हर क्षण हम कुछ ना कुछ प्राप्त करने के लिए दौड़ रहे हैं, इतना दौड़ रहे, इतना दौड़ रहे कि धीरे धीरे यही भूल जाते हैं कि हम क्यों दौड़ रहे हैं. सब दौड़ रहे, हम दौड़ रहे, सब ये चाहते हैं नाम होना है, मार्क्स होना है, ग्रेड आनी है, ये पोजीशन मिलनी है, वो पोजीशन होनी है, घर होना है, बड़ा घर होना है, कार आनी है, ये कार आनी है, ये तो सब कर ही रहे लेकिन दौड़ रहे, दौड़ रहे, दौड़ रहे, और फिर बाद में कहते हैं जब संध्या काल आ जाता है कि अरे मैंने ये सब नहीं करना चाहिए था, लेकिन आयुष्य तो हाथ से निकल गया. तो एक स्पीड जो हमें विचार करने के लिए भी समय नहीं देती और हमें दौड़ाती रहती है, ऐसा एक वेग मनुष्य जीवन में आ गया है. दूसरा यदि हम देखते हैं कि ये जो प्रेशर टू परफॉर्म ये ज्यादा हो गया है, पहले इतना नहीं था, पहले जो व्यक्ति जैसा है वह स्वीकार्य था, आज वो स्वीकार्य नहीं है. कुछ क्या कहेंगे मापदंड है और सबने उसी के अनुसार होना है, चाहे वो दिखने में हो, चाहे वो मार्क्स में हो, चाहे वो लाइफस्टाइल में हो, यानी वो मापदंड किसी ने तो भी निश्चित कर दिया है. तो आपका वेट भी इतना होना है, आपने दिखने ऐसा है, आपके बाल काले ही दिखने हैं, फिर आपको ये तो अचीव होना ही है, ऐसा होना ही है, आपके कपड़े ऐसे होने हैं. एक बार कन्याकुमारी में एक योग शिक्षा शिविर में एक मैं ऐसे ही पूछती हूँ, पूछा शिविर कैसा लग रहा है, उन्होंने कहा वो शिविर बहुत अच्छा है. मैंने कहा अच्छा क्या अच्छा है शिविर में, तो बोले यहाँ ना ये प्रेशर नहीं है कि मैंने पहना हुआ कपड़ा ठीक है या नहीं है, मैं जिस परिवेश में जा रहा हूँ वेदर आई एम प्रॉपरली ड्रेस्ड राइटली ड्रेस्ड, ये भी एक प्रेशर, यानी प्रेशर टू परफॉर्म ये सिर्फ मार्क्स का या जॉब का नहीं है, हर चीज में प्रेशर. यह भी प्रेशर आधुनिक मनुष्य के जीवन में एक टेंशन बिल्डअप कर रहा है, स्ट्रेस बिल्डअप कर रहा है, और हम सब जानते हैं अपने मनुष्य शरीर की
ईश्वर ने ऐसी रचना की है कि जब कुछ चैलेंजिंग सिचुएशन आता है, कुछ प्रेशर आता है, अपना शरीर वो कोप अप करने के लिए सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस अपने शरीर में आते हैं, मसल टाइटन होती है, फिर हृदय का पल्पिटेशन बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर, क्योंकि प्रेशर से खून पंप होता है, एनर्जी चाहिए वो प्रेशर को फेस करने के लिए, इसीलिए ब्लड में शुगर रिलीज होती है, ये सारा कुछ होता है। और वो हो जाने के बाद वो सिचुएशन हो गई तो अपने शरीर की ऐसी व्यवस्था है कि बाद में वापस हम नॉर्मल स्थिति में आ जाते हैं, जिसको कहते हैं होमियोस्टेटिस। ये सिंपैथेटिक एंड पैरासिंपैथेटिक नर्व्स, ये दोनों का ये कार्य होता है कि जब प्रेशर है तब उसको रिस्पॉन्ड करो, जब प्रेशर समाप्त हो गया तो नॉर्मल स्थिति में आ जाओ। लेकिन अभी आधुनिक मानव के जीवन की समस्या ये है कि जब प्रेशर आता है वो सब उस सिचुएशन में जाता है, वापस आने के पहले ही दूसरा प्रेशर आता है, फिर से वो होमियोस्टेटिस यानी इक्विलिब्रियम यानी रेस्ट पोजीशन में आने के पहले ही तीसरा प्रेशर आता है, चौथा आता है, पांचवा आता है, ऐसा होते 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 क्या होता है, प्रेशर बिल्डअप हो जाता है। सो योर मसल्स आर ऑलवेज टेंस, इसलिए फिर बैक एक नेक एक वगैरह ये सारा शुरू हो जाता है, शुगर डायबिटीज शुरू हो जाता है, ब्लड प्रेशर आता है। तो इसीलिए ये जो हम देखते हैं कि जैसे अपने शायद दादा दादी नाना नानी ये 80 की उम्र में 90 के उम्र में भी एक्टिव थे और उनको कोई ब्लड प्रेशर शुगर कुछ नहीं था, आज 60s 70s में ब्लड प्रेशर शुगर ऑलमोस्ट होता है, नहीं होता है तो वो न्यूज है, मेरे पिताजी को ना कुछ समस्या नहीं है तो ये न्यूज है, लेकिन ऑलमोस्ट होता ही है। और इसके आगे जैसे 40 45 30 में शुगर ब्लड प्रेशर हार्ट अटैक शुरू हो गए हैं। जैसे एक बार मैं घर गई थी, बहुत अच्छे पोस्ट पे थे वो, और उनकी बेटी घर आई थी जिसकी शादी कुछ 4-5 बरस पहले ही हुई थी, मुझे वो पता था इसीलिए मैंने पूछा वो कैसी है, तो दोनों माँ पिताजी चुप हो गए। उनकी बेटी, वो बेटी की बेटी भी उधर दौड़ रही थी, तो अच्छा ये बेटी हुई है और बाकी कैसा चल रहा है। फिर मुझे पता चला कि उनका जमाई कुछ दिन पहले ही चला गया हार्ट अटैक से, और वो सेकंड टाइम प्रेग्नेंट है। कल्पना कीजिए, इकलौती बेटी, बहुत अच्छा घर, बहुत अच्छी तरह से बेटी को प्रेम से बड़ा किया, अच्छे घर में बहुत अच्छे पोजीशन वाला पति ढूंढ के दिया, और पति 40 बरस भी नहीं हुआ है चला गया, 37-38 में वो चला गया। यानी ये जो एक बहुत बड़ी समस्या आधुनिक मानव के जीवन के सामने खड़ी हुई है, इसका भी सामना हमें करना है। अनेक समस्याएं हैं, मैं कुछ ही गिनूंगी। फिर और एक जो हम देखते हैं वह है एक्सप्लोजन ऑफ नॉलेज, इतना एक्सप्लोजन है, आप यानी सिर्फ फिजिक्स भी जानना चाहते हैं, इतना कुछ है जानने के लिए, केमिस्ट्री में इतना कुछ है जानने के लिए, और उसकी ब्रांचेस कितनी सारी ब्रांचेस, एक ही विषय में कितनी सारी ब्रांचेस, उस विषय में भी आप पीएचडी कर सके, एमएससी पीएचडी कर सके, इतना नॉलेज का एक्सप्लोजन। सो व्हाट शुड आई लर्न, व्हाट इज इट, जैसे उपनिषदों में विद्यार्थियों ने यानी जो साधक थे, ज्ञान चाहते थे, ऐसे लोगों ने जो अपने गुरु से प्रश्न पूछा था, ऐसा क्या है वो जानने के बाद मैं सब जान सकता, या जो जानने के बाद जीवन में और कुछ जानने के लिए रह नहीं जाता है, या जो जानने के बाद जो भी जानना है वो मैं जानने का प्रयास तुरंत कर सकता हूं, तुरंत जान सकता हूं, ऐसा क्या है। या जैसे भगिनी निवेदिता कहती थी, स्वामी विवेकानंद की शिष्या, कि ये भारत की शिक्षा व्यवस्था पहले की बहुत अच्छी थी, विषय नहीं पढ़ाते थे तो कैसे सीखना, कैसे पढ़ना, कौन सा भी विषय कितने कम समय में मन को एकाग्र करते हुए प्राप्त करना, विषय को कैसे समझना,
ये सिखाते थे, हाउ टू लर्न वॉज टॉट एंड नॉट द सब्जेक्ट। और इसीलिए मनुष्य जीवन में जो भी आवश्यक है वह सीखता था। आज हमारी शिक्षा ऐसी नहीं है। आज हम जानकारी तो बहुत प्राप्त करते हैं, पूरी परीक्षा में उसको उतार देते हैं, और लेकिन बाद में, जैसे मैं बहुत सारे इंटरव्यू कंडक्ट करती हूँ अरुणाचल प्रदेश में, जो विवेकानंद केंद्र विद्यालय के शिक्षक है उनके लिए, उसके लिए शिक्षक चाहिए, तो इंटरव्यू जब कंडक्ट करती हूँ, भारत भर में करती थी, अभी तक करती थी, अभी केंद्र के बाकी कार्यकर्ता करते हैं, तो जब भी इंटरव्यू होता था बड़ा दर्द होता था। एमए हिस्ट्री प्रश्न पूछिए और जवाब नहीं आएगा, वो कहेगा कि मैडम मेरा एमए होके 3 बरस हो गए, मुझे अभी कुछ याद नहीं। मैं कहती थी अच्छा मुझे ये बताओ कि 20वीं सदी में सबसे महत्व का हिस्टोरिकल इंसिडेंट कौन सा है भारत के लिए, इतना सरल प्रश्न है, नहीं बता सकता है। अच्छा तुम्हारे हिसाब से कौन सा है बताओ, नहीं बता सकता है। एमए इंग्लिश लिटरेचर, अच्छा मुझे ये बताओ तुमने गत 6 महीने में कौन सा पुस्तक पढ़ा है। लिटरेचर, एमए लिटरेचर यानी क्या, लिटरेचर पढ़ने की एक एप्टीट्यूड, एक क्या कहेंगे, इच्छा निर्माण हुई, लेकिन है नहीं, कुछ पढ़ा ही नहीं। शेक्सपियर कितना पढ़ा, जितना पोर्शन में था उतना ही पढ़ा और ज्यादा नहीं। अच्छा ये बताओ अंग्रेजी में सबसे लंबी कविता, सबसे लॉन्गेस्ट फिलोसॉफिकल पोएम हु हैज रिटन, एमए इंग्लिश लिटरेचर, पीएचडी इंग्लिश लिटरेचर, नो आंसर, पता ही नहीं। फिर बताएगा कि कुछ तो भी होमर वगैरह ऐसे कुछ नाम लेगा। मैंने कहा वो भारतीय है, अरविंदो ने लिखी हुई सावित्री कविता, ये सबसे लंबी कविता है, लेकिन हमारे भारतीयों को पता नहीं, उसमें पूरा गहन तत्व ज्ञान है, हमें वो पता नहीं। यानी हम पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन ज्ञान प्राप्ति कुछ नहीं, यहाँ ज्ञान एक्सप्लोजन हो रहा है, वो लेने का भी तरीका हम विकसित नहीं कर रहे हैं, ना जो हम पढ़ रहे हैं वो भी हमारे यहाँ रह रहा है, हमारे जीवन में उपयोग में आ रहा है। ऐसी स्थिति, यानी करना है तो बहुत कुछ कर सकते हैं, आज टेक्नोलॉजी अपने पास उपलब्ध है, चाहिए तो कितने सारे पुस्तक मैं डाउनलोड कर सकती हूँ, कितना सारा मैं पढ़ सकती हूँ, मैं जान सकती हूँ, लेकिन फिर भी ये सारे पढ़ने के तंत्र क्या है पता नहीं, वो हमें आज दिए जाते नहीं। यानी एक एक विषय हम लेते हैं तो संभावनाएं अनेक है, लेकिन जैसे उदाहरण ही देना है फिर से, यदि आरोग्य का लेते हुए उदाहरण देना है तो आज कितनी संभावनाएं हैं, आज टेक्नोलॉजी आई है, घर में आराम है, हमें सवेरे बैठते हुए रोटी के लिए आज गेहूं पीसने नहीं पड़ते, लेकिन आज वो जो समय हमें प्राप्त हुआ है, पहले हमें पैदल काम के लिए खेती पे चलना पड़ता था 4-4, 5-5 किलोमीटर, आज हमारे पास गाड़ियां हैं, अपने कार्य क्षेत्र में हम तुरंत पहुंच सकते हैं, वो सारा समय हमारा बच गया है, लेकिन वो समय बचा उसका उपयोग क्या हो रहा है, हम किसमें लगा रहे हैं, वो जो समय बचा है उससे क्या हम जीवन में और कुछ नया सीखेंगे। यानी संभावनाएं है, आधुनिकता ने हमें कुछ वरदान भी दिए हैं, लेकिन उन वरदानों को यदि हम नहीं समझते हैं तो जो समस्याएं हैं वो और गहरी होती जा रही है, अनेक समस्याएं हैं, उसमें मैं ज्यादा जाऊंगी नहीं। जैसे एक एक्सक्लूसिविज्म की समस्या है, एक्सक्लूसिविज्म यानी मेरा ही भगवान सही है आपका गलत है, मैं जैसे कपड़े पहनती हूँ वही सही है आप पहनते हैं वो गलत है, या मैं जैसा रहती हूँ वही सही है आपका गलत है, मैं जो बोलती हूँ वही सही है आपका गलत है, मैंने जो मत बताया मीटिंग में बैठक में वही सही है बाकी सबकी सुझाव गलत है, ये जो है ना ये एक्सक्लूसिविज्म आ रहा है। कहीं ना कहीं जो स्वीकार इस भारत की विशेषता है जो हमें पूरे विश्व को देनी है वो पहले हमारे जीवन में पक्की आनी है। तो एक्सक्लूसिविज्म ये भी आज आधुनिक मानव की बहुत बड़ी समस्या हो रही है,
फिर और एक जो समस्या है कि हम इस देश में इस संस्कृति में जन्मे हैं, लेकिन इस देश और संस्कृति को ठीक से न समझ पाने के कारण या समझने के लिए जो पद्धति अपनाई है, ये भारत जो है वो एकात्मता पर आधारित राष्ट्र है, ये एकात्म राष्ट्र है, ये एकात्म जीवन दर्शन अपने राष्ट्र जीवन में लेकर जीने वाला राष्ट्र है। और ऐसे राष्ट्र को समझने के लिए जो रिसर्च मेथडोलॉजी अपनाई है वो है डीकंस्ट्रक्शन, मेथड ऑफ डीकंस्ट्रक्शन। और ऐसा करते हुए भारत को समझने जाते हैं तो भारत में और बहुत सारी समस्याएं खड़ी की जाती हैं। जैसे उसका उदाहरण देना है, इन शॉर्ट तो भारत में इतनी विविधता है कि हम राजस्थान में क्या भाषा में बोलते हैं, कैसी पूजा करते हैं, क्या कपड़े पहनते हैं, क्या खाते हैं, उसका एकदम बहुत अलग प्रकार हमें तमिलनाडु में दिख सकता है, अरुणाचल में और अलग होगा, असम में अलग होगा। तो फिर हम इस हम में भारतीय करके क्या है, कोई ये प्रश्न पूछेगा और वो हम देखने वाले हैं। तो ये क्या है ये प्रश्न पूछेगा, और यही भारतीय क्या है, भारत क्या है, ये जानने के लिए कोई प्रयास करता है तो वो क्या करेगा, पूरे भारत समाज से किसी एक कम्युनिटी को अलग निकालेगा, उसका अलग अध्ययन करेगा, उसका बाकी सबके साथ कितने झगड़े हुए हैं इसका वर्ग, इसका सूची बनाएगा और बताएगा इन दोनों का हमेशा यहां झगड़ा हुआ है। जैसे किसी घर में पति पत्नी है कि कोई जाके उनको पूछे कि अरे भाई आपके कितने झगड़े हुए, शादी होकर 30 बरस हो गए, कितने झगड़े हुए, सीरियस झगड़े बताइए, वो बोले हाँ हमारे हुए हैं, अभी तक हमारे 7 झगड़े हुए। 7 झगड़े हुए कौन कौन से हुए, पूरा डिटेल में पूछिए, एक थीसिस लिखिए और फिर बताइए इस घर में 2 शत्रु रहते हैं। 30 बरस में जो आत्मीयता से प्रेम से पति पत्नी रहे हैं उसका आप अध्ययन नहीं कर रहे, आप क्या झगड़े हुए उसका अध्ययन करके ये निष्कर्ष निकाल रहे कि यहाँ 2 शत्रु रहते हैं। या जैसे शरीर है तो शरीर में प्राण होता है, अच्छा ये हाथ मेरा क्यों हिल रहा है, तो शरीर में प्राण है, मैं बोल रही हूं, मैं समझ रही हूं, मैं सुन रही हूं, क्यों, मेरे शरीर में प्राण है, अच्छा ये प्राण क्या है हम जानना चाहते हैं। तो अच्छा प्राण क्या है, तो एक उंगली काटो और उस उंगली में देखो प्राण कहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, दूसरी उंगली काटो, तीसरी काटो, ऐसा आप शरीर का टुकड़ा टुकड़ा तोड़ के समझने का प्रयास करेंगे, आपको प्राण मिलेगा नहीं मिलेगा, और एक शरीर भी क्षत हो जाएगा। इसको ही मेथड ऑफ डीकंस्ट्रक्शन कहते हैं। आज हमारे पूरे भारत को ऐसा समझने का प्रयास किया जा रहा है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे किया जा रहा है, यूनिवर्सिटी के स्तर पे किया जा रहा है। जैसे शिकागो यूनिवर्सिटी में एक डिपार्टमेंट है जिसमें एक वेंडी डोनेगर करके एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, उसने अपने भारत को समझने का एक पुस्तक लिखा, सारा गलत गलत। फिर उसके जो शिष्य है जो पीएचडी करते हैं उसके स्टूडेंट्स, एक ने रामकृष्ण के ऊपर पुस्तक लिखा काली चाइल्ड करते हुए, और पूरा गलत चित्र रामकृष्ण के बारे में खड़ा किया। किसी ने गणेश जी के ऊपर लिखा, मैं तो आपको बता भी नहीं सकती हूं कि उन्होंने क्या लिखा है, आपको किसी को इंटरेस्ट है तो इन्वेडिंग द सेक्रेड ये पुस्तक है, उसमें ये सारे डिटेल्स दिए हैं। फिर ये व्यक्ति जो है जाफरी क्राइपाल, ये पुस्तक लिखता है रामकृष्ण के ऊपर काली चाइल्ड, सारा डिस्टॉर्शन, और फिर उस पुस्तक को अवार्ड दिया जाता है। अवार्ड देने के बाद एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका के पुस्तकों की सूची में पढ़ने जैसे पुस्तक उसमें यह पुस्तक आता है। और किसी भी यूनिवर्सिटी में हिंदुइज्म के बारे में जानना है तो ये पुस्तक पढ़िए, भारत के बारे में जानना है ये पुस्तक पढ़िए, और सारी विकृति। और इनका जवाब देने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यानी मैंने स्वयं को भी समझना है और दूसरों को भी मेरे बारे में समझाना है, यानी आज अपने देश में भी हमारे सामने अनेक चुनौतियां हैं। अभी इन सारे चुनौतियों का उपाय क्या है, तो इसका उपाय जो स्वामी विवेकानंद कहते थे कि वी हैव टू लीव द वेदांत, द वेदांत शुड बिकम प्रैक्टिकल।
यानी क्या? तो हमारा योग जीवन पद्धति हमारे जीवन में आनी है, इन शॉर्ट। इसलिए स्वामी विवेकानंद पहले थे जिन्होंने पश्चिम में लोगों को योग इंट्रोड्यूस किया। पहले वहां पता नहीं था, स्वामी विवेकानंद ने प्रथम किया, और उसके बाद योग के बारे में क्रेज बढ़ती गई। दुर्दैव से उन्होंने, जैसे हमें उमेश जी ने बताया, योग को सिर्फ आसन प्राणायाम तक अभी सीमित कर दिया है कि मेरा वेट बढ़ गया, कम करने के लिए योग करूंगी, मुझे बहुत सिर दर्द हो रहा है, कम करने के लिए प्राणायाम सीखूंगा। ऐसा हमने एक जीवन शास्त्र को ही एक थेरेपी बना दिया, एक दवा बना दी। तो यह योग क्या है जो स्वामी विवेकानंद कहते थे इन सारी समस्याओं का उपाय क्या है? तो वह है रीजन ऑफ वननेस, यानी एकात्म जीवन दर्शन, एकात्मता। ये हमारे जीवन में आनी है। यानी क्या? तो मैं यानी कौन? जब हम कहते हैं मैं, हमारे मन में जनरली क्या आता है? अपना शरीर, मन, बुद्धि, अपनी आकांक्षाएं, अपेक्षाएं, ये यानी मैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि अपने संस्कृति में हमें बताया है कि अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हम कौन है? तो हम वह विस्तारित होने वाली आत्मचेतना है जो इस पूरे चराचर को व्याप्त करती है। इसलिए जब मैं कहती हूं मैं अखंड मंडलाकारम, तो मेरा ही और विस्तृत जो मंडल है, मेरा जो विस्तृत स्वरूप है, वह है मेरा परिवार। परिवार यानी 5-6 लोग एक साथ आ गए यानी परिवार नहीं, एक ही आत्मीयता के ये 5-6 रूप है। हम सब आत्मिक संबंधों से जुड़े हुए हैं, 5, 6, 10, 15 जो भी। फिर उसका और विस्तारित स्वरूप जो है वह है समाज, उसका और विस्तारित स्वरूप जो है वह है राष्ट्र, उसका और विस्तारित स्वरूप जो है वह है सृष्टि, और इन सब का जो मूल स्वरूप है वह है वह आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, जो भी कहना है, जो इन सारे रूपों से प्रकटित हुआ है, और वो मेरा सच्चा स्वरूप है, वो मेरी आत्मशक्ति है, वो मेरा आत्म स्वरूप है। और वह जानना, उसमें स्थित होना, ये अपने जीवन का लक्ष्य है। और वो स्थित, उसमें स्थित कैसे होना, आत्मस्थ कैसे होना, हाउ टू बी रूटेड इन वन्स ओन बीइंग, तो उसके लिए योग शास्त्र है। इसीलिए योग क्या है ये भी हमें समझना आवश्यक है। हमारा बहुत ये भाग्य है कि हमारे प्रधानमंत्री ने जब यूनाइटेड नेशंस में ये प्रस्ताव रखा कि कोई इंटरनेशनल योगा डे होना है, तुरंत कितने सारे देशों ने उसको उठा लिया, 177 देशों ने। जनरली ऐसा होता नहीं है, वो वोटिंग के लिए जाता है, बहुत चर्चा होती है, बाद में तय होता है, और ये तुरंत तय हो गया क्योंकि सबने सेकंड किया प्रस्ताव को। और ऐसा करते हुए अभी अंतरराष्ट्रीय योगा दिन मनाने जा रहे हैं। जितना मनाते रहेंगे, जैसे मुझे किसी ने मेल भेजी थी अमेरिका से कि क्या भारत से कितने योगा टीचर्स आ सकते हैं, मेक्सिको को 2000 योग शिक्षक चाहिए, कल्पना कीजिए। लोग और जानना चाहेंगे, शुरू में तो आसन प्राणायाम करेंगे, लेकिन जितना और गहराई में जाने लगेंगे तो उनको लगेगा कि नहीं, ये जानने के लिए तो भारत जाना चाहिए। लेकिन भारत में हमारे जीवन में कितना योग है, क्योंकि ये हम अपने जीवन में लाकर उदाहरण से ही दे सकते हैं। इसीलिए आधुनिक मानव की सारी समस्याओं को दूर करना है तो उसके लिए योग जीवन है, योग जीवन पद्धति अपनानी है। और वह यदि अपनानी है तो जिस भूमि में इस योग शास्त्र को संवर्धित किया, विकसित किया, समझा, उस भूमि में जन्मे हुए हम, हमारी जिम्मेदारी दुहेरी हो जाती है, द्विविध हो जाती है, क्योंकि हमारे जीवन संवारने के लिए भी हमें योग सीखना है और पूरे विश्व को देने के लिए भी हमारे जीवन में योग आना है। तो योग क्या है, विषय तो बहुत बड़ा है, उसके कुछ बिंदु हम देखेंगे। जैसे योग की एक परिभाषा है, युञ्जते अनेन, युज्यते अनेन इति योगः, यानी जो हमें
जोड़ता है वो योग है, जो जोड़ता है वो योग है। अभी किससे जोड़ता है, तो मेरा जो विस्तृत स्वरूप है, मेरा जो स्वस्वरूप है, उसके साथ जब जोड़ते हुए मैं जीवन जीती हूं, वह योग है। तो मेरे विस्तारित स्वरूप क्या है, एक है परिवार, दूसरा है समाज, तीसरा है राष्ट्र और सृष्टि, जो प्रगतित स्वरूप है। तो उसके साथ जुड़ते हुए मैंने जीवन जीना, यानी मेरा जीवन कैसा होना है, तो मैंने परिवार को सवारा, मैंने समाज की धारणा की, राष्ट्र का उत्थान किया, इस पूरे सृष्टि का संरक्षण किया, मैंने जन्म लिया, उस जन्म में मैंने इन मेरे चार विस्तारित स्वरूप को मेरे योगदान से, मेरे कर्तव्य से, इन चारों को मैंने जोड़ के रखा, इससे मैं जुड़ी रही, मेरे कर्म से, मेरे कृति से, ये एक। और दूसरा, जो इन सारे रूपों में प्रकटित होता है, उस स्वरूप के साथ जुड़ना। इसलिए युज्यते अनेन इति योगः, इसलिए योग का जुड़ना, यानी एक, यानी जो अनमैनिफेस्ट है, जो प्रगटित नहीं हुआ है, ऐसे परब्रह्मन के साथ जुड़ना, और दूसरा उसका जो प्रगटित स्वरूप है, यानी मेरा ही जो विस्तारित स्वरूप है, जैसे परिवार है, समाज है, राष्ट्र है, सृष्टि है, उसके साथ जुड़कर जीवन जीना, यानी मेरे जीवन के कारण पर्यावरण का संतुलन बिगड़ना नहीं चाहिए, पर्यावरण दूषित नहीं होना चाहिए, मेरे कारण इस राष्ट्र की क्षति नहीं होनी चाहिए, इस राष्ट्र के पुनरुत्थान में मेरे कारण थोड़ा बहुत मेरा योगदान निश्चित होना है, इस समाज धारणा में मेरा योगदान होना है, परिवार की रक्षा में मेरा योगदान होना है, ऐसा जीवन जीना है, वह योग है। और एक जो योग की परिभाषा है, वह है योगः चित्तवृत्ति निरोधः, यानी हम कहते हैं हम ईश्वर स्वरूप है, आत्म स्वरूप है, हम सब दिखने के लिए अलग अलग है, लेकिन हम सब एक से ही अनेक रूप में प्रकटित हुए हैं। इसलिए मेरा आत्म स्वरूप और दूसरे का आत्म स्वरूप अलग अलग नहीं है, हम सबका आत्म स्वरूप एक है, हम सबकी आत्मा एक है। जीवात्मा अलग हो सकती है, जो वासनाओं के कारण सीमित हो गई है, वो अलग हो सकती है, शरीर मन बुद्धि अलग हो सकता है, लेकिन जो शुद्ध स्वरूप है, हम सबका एक है। ऐसे हम सब एक है, तो ये एक है ये अनुभूति क्यों नहीं होती, क्यों किसी को देख के गुस्सा आता है, किसी को देख के अच्छा लगता है, कोई थोड़ा कुछ बोलता है तो मैं फ्लेयर अप हो जाती हूं, ये एकात्मता की, आत्मीयता की अनुभूति क्यों नहीं होती। तो हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि हर समय हमारी एक रूपता किसके साथ है, हमारे चित्त वृत्तियों के साथ है, यानी विचार प्रवाहों के साथ है सतत, उसके कारण हम क्या है इसकी अनुभूति हमें होती नहीं। जिस समय हमारा मन एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए भी वो विचारों का प्रवाह रुक जाता है, वहां हम क्या है उसका दर्शन होता है। इसीलिए कहते हैं ना कि किसी को समझो रसगुल्ला बहुत अच्छा लगता है, तो रसगुल्ला खाया, बहुत अच्छा लगता है, रसगुल्ला मिल गया, वो मुंह में डाला, हा क्या आनंद है, तो हमें लगता है आनंद किसमें है, रसगुल्ले में है। तो रसगुल्ले में आनंद होता तो एक खाओ आनंद मिलना है, दूसरा खाओ आनंद मिलना है, तीसरा खाओ, चौथा खाओ, पांचवा खाओ, छठवा खाते समय ना बाबा तो रसगुल्ले में आनंद था तो छठवे में क्यों नहीं मिलता है। आप कहेंगे नहीं नहीं पेट भर गया इसलिए, अच्छा ठीक है, पहला रसगुल्ला मिला, मैंने खाने के लिए उठाया और समाचार आ गया कि मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया, मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया, पत्नी का एक्सीडेंट हो गया, तो आप बोलेंगे क्या, पहले मैं ये रसगुल्ला खा ही लेता हूं बाद में देखूंगा, रसगुल्ले की तरफ आप देखेंगे भी नहीं। आनंद किसमें है, क्यों हमें वो रसगुल्ला खाने के बाद आनंद लगता है, क्योंकि रसगुल्ला बहुत अच्छा लगता है, तो वो मिलने के बाद अरे वाह रसगुल्ला, खाने के लिए जाते हैं, ए फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड, ए नैनो सेकंड, आपका मन, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट और आपकी जीभ, ये दोनों का संयोग हो गया, एक
फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, नैनो सेकंड के लिए आपके सारे विचार रुक गए, वो आनंद है। आनंद रसगुल्ले में नहीं है, आनंद कपड़ों में नहीं है, आनंद इस मन की चित्त वृत्तियों को शांत करने में है। और हम सारे आज स्पेशली आधुनिक मानव के तो ऐसा हो गया है कि आज हम ज्यादा ही चित्त वृत्तियों की चपेट में आ गए हैं, यानी विचार प्रवाह की चपेट में आ गए। इसीलिए हम हमेशा चक्की पीसते रहते हैं, चक्की पीसते रहते हैं, यानी उसने मुझे उस दिन ऐसे बोला, ऐसे कैसे बोला, वो खुद को क्या समझता है, मैं उसको दुखा दूंगी, आई उसने ऐसे बोला, उसने ऐसे बोला, उसने बोल के समाप्त हो गया। हम कितने दिन याद रखते हैं, कुछ लोग एक महीना, कुछ लोग दो महीने, कुछ लोग पांच बरस, कुछ लोग बीस बरस, कुछ लोग जन्म भर हमारी चक्की पिसती रहती है। उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, और उस वृत्ति के साथ ही हम एक रूप होते हैं। इसीलिए हम जो है वो हमें दिखता ही नहीं है। जैसे इसके लिए स्वामी विवेकानंद बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं कि जो तालाब होता है, तालाब का जो तल है, यानी जो उसका नीचे का ये है तल, यानी अपना जो आत्मा है वो समझिए वो है, और वो हमें दिखना है, देखना है। लेकिन वो जो पानी है, वो पानी बड़ा गंदा है, अपनी सारी अपेक्षा वासना उसके कारण ये सारा पानी गंदा है, और उसमें विचारों के, इस वृत्तियों के तरंग भी उठ रहे हैं। ये दोनों हो रहा है तो हमें तल दिखेगा नहीं। वो आत्मदर्शन यदि होना है, हम आत्म स्वरूप है, ईश्वर स्वरूप है, हम स्वयं सुख स्वरूप है, हमने सुख की खोज में जाना ही नहीं है। इतना कॉन्फिडेंस आ गया तो कोई कुछ भी कहे, मैं हमेशा शांत रहूंगी और स्मिता से रहूंगी। यदि ये एक बार अनुभूति हो गई तो परिस्थिति कितनी भी बदल जाए, मैं टूटूंगी नहीं। हम जानते हैं ना, रामचंद्र को रात को बुलाया, बताया गया, बेटा कल तुम राजा बनने वाला है। स्मित हास्य से सुना, चेहरे पे एक सुंदर स्मित, ठीक है पिताजी। दूसरे दिन सबेरे बुलाया और बताया, राम तुमको वन में 14 बरस जाना है। ठीक है माताजी, उतना ही सुंदर हास्य। अच्छा, आपको वन में ही भेजना था तो ये नाटक ही क्यों किया रात में बुला के, राजा बनेगा वगैरह, ऐसी मेरी सारी अपेक्षाएं बढ़ाकर अब मुझे आप वन में भेज रहे वगैरह, कुछ नहीं। यानी परिस्थिति कैसी भी बदल जाए, उतने ही शांति से उस परिस्थिति का स्वीकार। आज हम थोड़ी थोड़ी बातों में अंदर से टूटने लगते हैं, एक दूसरों के ऊपर चिल्लाने लगते हैं। इस सारे इसका कारण यह है कि हम ज्यादा वृत्ति रूप हो गए हैं। इसीलिए पतंजलि ऋषि कहते हैं, योगः चित्त वृत्ति निरोधः। योग क्या है तो चित्त वृत्तियों का निरोध करना, ये योग है। और ये करने के लिए हमें सीखना है। अभी ये सारा कैसे सीखना है, इसके लिए पूरा पतंजलि ने अष्टांग योग बताया है, जो हम थोड़ा सा देखेंगे। और एक योग की परिभाषा है जो है समत्वम योग उच्चते। हम सब जानते हैं कि दिन में 5 बार हमारा मूड उछल जाता है, हम बहुत खुश होते हैं, और 10 बार नीचे जाते हैं, गुस्से में, डिप्रेशन में, छोटी सी बात। जैसे आज ही कुछ तो भी हो गया मेरे प्रवास के इसमें चेंजेस में, मुझे कुछ लोगों ने बोला कि आप मेरा फ्लाइट का टिकट था कि आप वो फ्लाइट का टिकट कैंसिल कीजिए, हम भी उधर आ रहे हैं, हम सब एक साथ जाएंगे वगैरह वगैरह वगैरह, एक साथ यानी 7 घंटे का बस का प्रवास है। मैंने कहा ठीक है, मैंने वो मेरा टिकट कैंसिल किया। कैंसिल करने के बाद जो मुझे SMS आया, उसमें आया कि सिर्फ मुझे 157 रुपए वापस मिलेंगे। यानी पैसे के लिए पैसे गया, समय के लिए समय गया। अभी जो मैं बस का टिकट निकालूंगी वो भी 157 में नहीं आएगा। फिर मुझे लगा, अरे मैंने क्यों मैं टिकट कैंसिल किया, यानी कुछ समय के लिए मेरा मूड ऑफ हो गया। देखिए इतनी छोटी सी बात, लेकिन इतनी छोटी छोटी सी बातों में हम नीचे जाते हैं और ऊपर जाते हैं, ऊपर नीचे चलता रहता है। लेकिन योग यानी क्या है कि ये फ्रीक्वेंसी ऊपर नीचे जाने की कम होगी, इंटेंसिटी भी कम होगी। कुछ लोगों को गुस्सा आ गया, यानी हाथ में जो है फेंक दिया,
गुस्सा आ गया यानी दूसरे का चेहरा नहीं देखेंगे, उसके तरफ नहीं देखेंगे, बात नहीं करेंगे। मेरे भाई ने मुझे उस दिन शादी में ऐसे बोला था, पता है 15 बरस हो गए मैंने उसके साथ बात नहीं की। हमें लगता है हमने बड़ी बहादुरी की, एक्चुअली हम उस वृत्ति के साथ इतने एक रूप हो गए हम योग जीवन नहीं जी सकते। इसीलिए योग चित्त वृत्ति निरोधा जो हम कहते हैं, सॉरी समत्वम योग उच्चते, तो भगवत गीता ने जो योग की परिभाषा दी है तो इस दोनों को योग कर्म से कौशलम और समत्वम योग उच्चते, तो जीवन में समत्व लाना, जीवन के सारे ऊंचा नीचा सहन करने की ताकत मिलना। एक बार कन्याकुमारी में दो ब्रिटेन की महिलाएं आई थी, दोनों शिक्षिकाएं थी और बहुत अच्छी बातें कर रही थी। मैंने उनको पूछा कि आपको भारत कैसा लगा, बोले बहुत अच्छा लगा, यू नो इंडिया हैज कॉट अवर हार्ट वगैरह ऐसी बात कर रही थी। मैंने कहा अच्छा आपको इतना क्या अच्छा लगा भारत में, बोले आप भारतीय लोग हैं ना, आप बड़े सुंदर हंसते हैं। तो मैंने कहा कि क्यों आपके देश में आप हंसते नहीं है, तो बोले नहीं हम हंसते हैं बट सी इट इज ए प्लास्टिक स्माइल, करते हैं और जाते हैं, हम हंस नहीं सकते, ऐसी हमारी स्थिति हो गई है। फिर उनके साथ और बात कर रही थी, मुझे मैंने अपना स्वभाव होता है ना कि अपने अतिथि को बुरा लगा तो हम थोड़ा उसको अच्छा लगे करके, तो मैं उनको बताने लगी जो भी है आपके देश बड़े विकसित है ऐसा कुछ तो भी मैंने बताया। तो उन्होंने कहा कि नो 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 प्लीज डोंट डेवलप एट द कॉस्ट ऑफ योर स्माइल, यू नो यू पीपल यू हैव ग्रेट कैपेसिटी टू स्माइल इवन इन एडवर्स सिचुएशंस। मैं देख रही हूँ गांव में इतना गरीब व्यक्ति आसानी से हंस सकता है, आप लोग हंस नहीं सकते, हम लोग हंस नहीं सकते, कल्पना कीजिए। तो यह जो स्थिति है समत्वम योग उच्चते, कहीं ना कहीं आज हम भी एक हो रहे हैं, आज हमारे भी चेहरे लंबे होते जा रहे हैं, आज हम भी हंस नहीं सकते हैं, तो क्योंकि हम भी ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड होने लग गए, यानी स्व केंद्रित, मैं में आ गए। तो जितना ये मैं को हमने सीमित किया है उतना हमारे जीवन का समत्व संतोष चला जाता है, जितना हम इस मैं को विस्तारित करते हैं पूरे चराचर को व्याप्त करने वाले उतना हम बहुत सारी बातें सहजता से ले लेते हैं। यानी किसने कुछ बोल भी दिया तो हम हंस के उसको छोड़ सकते हैं। कल्पना कीजिए हम खाना खा रहे हैं, खाना खाते समय ये जीभ दांत में आती है तो हम क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, हम पानी पीते हैं फिर से खाना खाने लगते हैं। हम ऐसा नहीं कहते क्या बेकार के दांत है मेरे जीभ को काट दिया, जाके 10 लोगों को बताते नहीं है और डॉक्टर के पास जाके सारे दांतों को उखाड़ दूंगी, ऐसा कुछ नहीं कहते क्योंकि मेरे ही दांत है, ये जो आत्मबोध है ना मेरे ही दांत है, मेरी जीभ है, काट दिया ठीक है, मेरे पत्नी ने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, मेरे माँ ने बोल दिया, पति ने बोल दिया, बड़े भैया ने बोल दिया, तो उसका इतना बड़ा बना के पूरे जिंदगी को बर्बाद करना ये योग नहीं है। वृत्ति रूप होना योग नहीं है, योग चित्त वृत्ति निरोधा समत्वम योग उच्चते, ये समत्वम मन में आना है, ये स्वीकार मन में आना है। दूसरा जो है योग कर्मसु कौशलम, जनरली इसका ट्रांसलेशन गलती से ऐसा बताया जाता है कि एफिशिएंसी इन एक्शन इज योगा, ठीक है ऐसा बताया जाता है, लेकिन यदि एफिशिएंसी इन एक्शन इज योगा है तो जो आतंकवादी सारा प्लानिंग करके बॉम्ब ब्लास्ट करता है वो योगी हो गया है ना, क्योंकि उसने कितना एफिशिएंटली काम किया। ओसामा बिन लाडेन ने जो 2 टावर उड़ाए क्या एफिशिएंसी थी, क्या प्लानिंग था, क्या एग्जीक्यूशन था, तो वो योगी हो गया। इसलिए इसकी परिभाषा ये नहीं है एफिशिएंसी इन एक्शन, एफिशिएंसी की बात अलग जगह में आती है वो हम देखेंगे। इसका अर्थ ये है कर्मसु योगः कौशलम, यानी हर काम में हर कर्म में मैंने ईश्वर के साथ जुड़े रहते हुए वो काम करना, ये जीवन का खरा सही कौशल है।
वो योग जीवन है। मैं जुड़े रहते हुए, यानी मैं जो भी कार्य करूंगी, समझिए कि मैं कोई ऑफिसर हूं, मैं काम कर रही हूं, उस काम में मेरा जो निर्णय मुझे लेना है वो निर्णय मेरे संगठन के, मेरे इंस्टीट्यूशन के हित में मैं लेती हूं तो वो योग है। वो लोक संग्रहार्थम लेती हूं वो योग है। मैं यानी इन एवरी एक्शन देयर इज अ चॉइस फॉर अस। हर हर कर्म में हमारे पास दो चयन है, यानी दो दो बातें हैं चुनने के लिए। एक यानी इस कर्म से मैं स्वयं को नीचे गिरा दूंगी, मैं और वृत्तियों की चपेट में आ जाऊंगी। दूसरा चॉइस है कि इस कर्म में जो दूसरा चुनना है मुझे, यानी आइदर और जो भी करना है, वो ऐसा करूंगी कि जिससे मेरा मैं का एक्सपांशन होगा, यानी मैं मेरे विस्तारित स्वरूप से जुड़ जाऊंगी। तो फिर वह सही कुशलता है। कुशलान मा प्रमदितव्यम अपने वेदों में कहा जाता है, जैसे स्वाध्यायात प्रवचनात्मा प्रमदितव्यम, वैसे कुशलान मा प्रमदितव्यम धर्मान मा प्रमदितव्यम। यानी कुछ जीवन में ये कुशलता आनी है कि मैंने चयन क्या करना है। जैसे मैं घर में हूं, समझिए किसी एक घर में एक बहू है और उस बहू को किसी ने कुछ सुना दिया जो अन्यायकारक था, सही नहीं था, तो वो भी उसका जवाब दे सकती है, एकदम सीधा जवाब दे सकती है, लेकिन उससे घर का वातावरण बिगड़ जाएगा। तो अभी उसके सामने ये चॉइस है, मैं क्या करूं? ठीक है, मैं ये सहन करूंगी, जब बताना है मैं उनको व्यक्तिशः बताऊंगी, सबके सामने मैं अपमान नहीं करूंगी। ये चयन है। इन एवरी एक्शन देयर इज ए चॉइस, एंड व्हाट चॉइस वी आर टेकिंग, वेदर द चॉइस इज व्हाट कनेक्ट्स मी टू ईश्वर और वेदर द चॉइस इज व्हाट कनेक्ट्स मी टू माय लिटिल प्यूनी आई। उस ये उससे ये तय होता है। और एक यदि योग का देखना है तो जिसको हम कहते हैं कर्मयोग, जो बहुत महत्व का है, क्योंकि जो हमने देखा ना तालाब का एग्जाम्पल, एक है चित्त वृत्ति, यानी बहुत तरंगे हैं तो तल देख नहीं सकते हैं, यानी मैं आत्मा तो सदैव स्थित है, उसमें ये जो वृत्तियों का प्रवाह चल रहा है और उसके साथ मैंने स्वयं को एक रूप किया है, इसलिए मुझे लगता है मैं यानी ये, लेकिन ये नहीं है। ये प्रवाह रुकेगा तो मुझे मेरा पूरा अगाध अनंत रूप, उसमें मैं प्रतिष्ठित हो जाऊंगी। इसीलिए लेकिन इसमें दो बातें हैं, एक तो तरंगे उठती है, दूसरा पानी ही गंदा है। तो यह जो चित्त जो अशुद्ध है अनेक वासनाओं से, अपेक्षाओं से, तो उसको शुद्ध करना, इसके लिए कर्मयोग है। और इस कर्मयोग के बारे में, यानी कैसे हम बहुत सारे घटनाओं को अशुद्ध करते हैं अपने अपेक्षाओं के कारण, जैसे समझिए कि मैं, मुझे जानने वाले दो लोग वहां खड़े हैं और वो बात कर रहे हैं, ठीक है, बात करते समय बीच बीच में वो मेरे तरफ देख रहे हैं, ठीक है, तो अभी वास्तविक घटना क्या है कि वो दोनों बात कर रहे हैं, वो बीच बीच में मेरे तरफ देख रहे हैं, इतना ही अर्थ है ना उसका, लेकिन हम उसमें और क्या चढ़ाते हैं, हाँ मेरे बारे में बोल रहा होगा, ये हमेशा ऐसा करता है, उसको मेरे बारे में लोगों को बताता रहता है, कुछ तो भी ये दोनों मेरे बारे में बोल रहे हैं, हो गया, ये क्या बोल रहे थे, फिर जाके पूछो, अरे तुम दोनों क्या बोल रहे थे, कुछ नहीं हम उसकी बात कर रहे थे, नहीं बीच में तुमने मेरे तरफ देखा, नहीं मैं ऐसे ही घूम रहा था उस समय, तुम देखे मैंने देखा, और हम दोनों बात कर रहे थे, हंस रहे थे, उस समय मैंने हंस भी दिया, नहीं नहीं तुम मुझे बता नहीं रहे हो, ये बदमाश है, ये कुछ तो भी सोच रहा है, इसने मेरे बारे में क्या बात की, हमने अपने मन को क्या कर दिया, कलुषित कर दिया, जो है वो हमने देखना हमें मंजूर नहीं है। जैसे भगवान बुद्ध के एक शिष्य थे और उस शिष्य ने भगवान बुद्ध को पूछा था कि आप मुझे कोई साधना बताइए, भगवान बुद्ध बोले कि अभी तो मेरा समय हो गया शरीर छोड़ने का, ठीक है मैं तुमको एक बात बताती हूँ, सी थिंग्स एज दे आर, डोंट इम्प्यूट
or attach any meaning or attitude to it. बस इतनी ही बात बताई, जैसी बातें हैं वैसे देखो, उसको कोई अर्थ मत लगाओ। बहुत कठिन है ये, बहुत ही कठिन है। आप ये थोड़ा खुद के साथ करके देखिए। तो मन शुद्ध होना यानी, जैसे मैं अभी यानी हम सकारात्मक कैसे रहना है, जैसे अपने अरुणाचल में एक स्कूल है, विवेकानंद केंद्र विद्यालय, बहुत सारे स्कूल है। एक विद्यालय में वहां की जो प्रिंसिपल है उसको एक छोटी बेटी है, वो अभी क्लास 4 में है, और वो रेसिडेंशियल स्कूल है तो प्रिंसिपल को तो सतत काम रहता है, क्वार्टर भी अंदर है, हॉस्टल भी अंदर है, स्कूल भी अंदर है, तो वो कभी इस हॉस्टल में रहती है, कभी उस हॉस्टल में रहती है, ऑफिस में रहती है, सतत वो बाहर ही रहती है, और कभी कभी बीच में घर में आके बेटी ने खाना खाया नहीं खाया देख के फिर से चली जाती है। तो कोई भी उस बेटी को जब पूछता है कि माँ कब आएगी, माँ है क्या घर में, वो कहती है नहीं। अच्छा माँ कब आएगी, तो जनरली हम क्या उत्तर देंगे, हम उत्तर देंगे पता नहीं कब आएगी, है ना। उसका उत्तर देखिए कितना सकारात्मक उत्तर है, वो कहती है माँ कभी भी आ सकती है, और दोनों सही है, यानी माँ कब आएगी पता नहीं, माँ कभी भी आ सकती है, दोनों सत्य ही है। लेकिन देखने का नजारा देखिए, आज जिंदगी में बहुत सारे बातों को हम निगेटिव कर देते हैं और सारी समस्याएं खड़ी होती हैं। तो ये जो मन की शुद्धि करना है, ये मन की शुद्धि करने के लिए भी जैसे भक्ति योग है, कर्म योग है, ज्ञान योग है, ये सारा अपने जीवन में आना है। एक्चुअली विषय बहुत बड़ा है और अपना समय भी हो रहा है, तो मैं सिर्फ एक दो बातें बताते हुए समाप्त करूंगी। कर्मयोग की बातें बताऊंगी क्योंकि वो बहुत आवश्यक है आज अपने देश में। कर्मयोग की 4 बातें सिर्फ ध्यान में रखेंगे। एक यानी हम कर्म के बिना रह नहीं सकते, और यदि मैं कर्म के बिना रहूंगी, यानी मैं ऑफिस में जाती हूं, काम पे बैठती हूं, टेबल पे बैठती हूं, काम नहीं करती हूं, तो मेरे मन की वृत्तियां और वेग से चलेगी, और मैं रात में जब सोने जाऊंगी मुझे नींद ठीक से नहीं आएगी। लेकिन मैं मेरी पूरी जो शक्ति है, कर्म शक्ति, वो काम में लगाती हूं, तो मेरा मन उतना ही शांत होगा, रात में मैं आराम से सो पाऊंगी। हमने जो तय किया है उस दिन के लिए, वो काम यदि हम पूरा कर लेते हैं, हमें बहुत आनंद होता है, बहुत शांति से सो सकते हैं। जितना काम को टालते हैं उतना हम साइकोलॉजिकल प्रेशर अपने अंदर बढ़ाते रहते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं नहीं कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत। एक क्षण भी मनुष्य कर्म के बिना नहीं रह सकता है। यदि वो कर्म नहीं करता है तो अंदर चक्की पिसता रहता है, जो सबसे खतरनाक है, और इसीलिए वो कहते हैं तस्माद सक्तस सततम कार्यम कर्म समाचर। इसीलिए अर्जुन सतत कार्यम कर्म, करने जैसा कर्म सतत समाचर सम्यक रीति से करते रहो। कार्यम कर्म समाचर सततम कार्यम कर्म समाचर, जो मुझे करना है वो कितना अच्छे से मैं कर सकती हूं, कर सकता हूं, ये पहला, यानी हमने सतत कर्मशील रहना है। ये इस देश की विशेषता थी। हम छोटी सी भी बात करेंगे, जूता भी बनाएंगे, सुंदर सा बनाएंगे, कुछ विविंग करेंगे, सुंदर सा करेंगे। ये इस देश की विशेषता थी। घर घर में लिपाई पोताई भी कर रहे हैं, अपने गांवों में हम देख सकते हैं, ऐसे ही संभव कर दिया नहीं, सुंदर से करेंगे, उसके भी स्ट्रोक्स निश्चित है, फिर उसमें डिजाइन, उसमें चित्र निकालेंगे। जो भी करना है मन लगा के करना। एक तो सतत कर्मशील रहना, कार्यम कर्म समाचर। दूसरा है क्योंकि हम कर्म के बिना रह नहीं सकते, यदि बाह्य कर्म नहीं करते हैं तो अंदर की चक्की बढ़ती जाएगी, वृत्तियों का प्रवाह बढ़ता जाएगा, योग जीवन से अलग होते जाएंगे। दूसरा, जो कर्म कर रहे हैं वो सुंदर रीति से करना है, क्योंकि यही हमारी ईश्वर की पूजा है, और पूजा नहीं हो सकते। हम ये फूल
अभी हमने पुष्प अर्पण किया, लेकिन वो पुष्प तो ईश्वर ने निर्माण किए, हमने क्या पूजा की? वो तो जब उस पेड़ पे खिल गया, उस सृष्टि ने ही ईश्वर को अर्पण कर दिया है। हमने तो अर्पित किया हुआ फूल तोड़कर आए और हमने अर्पण किया। सच में यदि ईश्वर को हम कुछ अर्पण कर सकते हैं, सच में ऐसा कुछ है कि जो मेरी निर्मिति है, तो वह मेरा कर्म है। इसलिए हम ईश्वर को सुंदर कर्म समर्पित करें। जो भी हम करते, झाड़ू भी लगा रही उत्तम रीति से, कपड़े सुखा रही उत्तम रीति से, एकनाथ जी जो थे कपड़े भी सुखाएंगे, इतना सुंदर दिखेगा, लिखेंगे इतना सुंदर लिखेंगे, रखेंगे चीजें इतना सुंदर रखेंगे। जो भी मैं कर रही हूं, जो भी कार्य करती हूं, वह मेरी ईश्वर की पूजा है। स्वकर्मणा तमोभ्यर्च, भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, या स्वामी विवेकानंद ने बताया, वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। उन्होंने ऐसा नहीं बताया वर्क एंड वर्शिप, उन्होंने ऐसा भी नहीं बताया वर्क एज वर्शिप, वर्क इज वर्शिप। स्वकर्मणा तमोभ्यर्च, हम भगवान के लिए ऐसे नीचे गिरे हुए बालों में डाले हुए फूल नहीं चढ़ाते हैं, हम भगवान के लिए सुंदर फूल चढ़ाते हैं, ताजे। उसी प्रकार मेरा हर कर्म सुंदर रहेगा, ये ईश्वर की पूजा। तीसरा, ये कर्म ही मुझे ईश्वर के साथ जोड़ भी सकता है, यानी मेरे आत्म स्वरूप के साथ जोड़ सकता है, यानी वो जो योग है ना, जोड़ना, वो जुड़ना हो सकता है, या उससे और दूर ले जा सकता है। ये कर्म की विशेषता है, क्योंकि कर्म ये शक्ति है, और शक्ति हमेशा दुधारी होती है, वो निर्माण भी करती है, वो संवार भी करती है। इसी प्रकार ये कर्म की शक्ति ऐसी है कि हमें ईश्वर के साथ जोड़ भी सकती है, तोड़ भी सकती है। हमें वो समझना है, नहीं तो हम जितना कर्म करेंगे उतना और फंसेंगे। ये मैंने किया, ऐसा हो गया, मैंने इतना किया, कितना सुंदरता से मैंने पेड़ लगाए थे, उसने आके वो पेड़ को उल्टा पुल्टा कर दिया, गमले इधर से उधर रख दिए। छोटी छोटी बातों में फिर हम तकलीफ में आ जाते हैं, कर्म हमें बांधता जाता है। हर कर्म में अपेक्षा है, वो अपेक्षा हमें बांधती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गहना कर्मणो गति, मुझे लगता है इस कर्म के कारण मैं मुक्त हो जाऊंगी, चित्त शुद्धि हो जाएगी, और उल्टा होता है वो, कर्म से मेरी चित्त की अशुद्धि और बढ़ती है। इसलिए वो कर्म करने का तरीका समझ लो, वो सुंदर रीति से करना है। आपने देखे होंगे ऐसे कुछ परफेक्शनिस्ट होते हैं, बहुत सुंदर रीति से करते हैं, लेकिन उन स्वयं का भी जीवन बहुत तकलीफ में डालते हैं, दूसरों का भी डालते हैं। इसीलिए ये जो तीसरा है बहुत ध्यान में रखने जैसा, वह है निरपेक्ष कार्यक्रम। आप इससे मुझे लोग अच्छा बोलेंगे, मेरी स्तुति करेंगे, मेरा सम्मान बढ़ेगा, मुझे इतना पैसा मिलेगा, या ऐसा होगा वैसा होगा, ये मुझे हमेशा धन्यवाद देता रहेगा, इसलिए आज मैं इसको मदद करूंगा, तो जब मुझे समस्या होगी तब ये मुझे मदद करेगा, या आज इसकी बर्थडे पार्टी में मैं इसको 200 रुपए का गिफ्ट दूंगा तो मेरे बर्थडे पार्टी में भी वो 200 का लेकर आएगा, और फिर वो 50 रुपए का लेकर आता है तो हम कहते हैं क्या भिखारी जैसा गिफ्ट दिया है। यानी वो मेरे बर्थडे में आया वो हमने देखा ही नहीं, जो संबंध बनाने हैं वो देखे ही नहीं, जो लोगों को जोड़ने के लिए जन्मदिन का उपयोग करना है वो किया ही नहीं, बच्चों को जो सिखाना है सिखाया ही नहीं उनके जन्मदिन में, हम कहते हैं क्या धिक्कार की भेंट दी है तुम्हारे मित्र ने। अपेक्षाएं जितना रखते हैं उतना सब उल्टा हो जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं निरपेक्ष कार्य करो। हर कर्म की कीमत यह है कि वो आपका चित्त शुद्ध करता जाएगा, आपको ईश्वर के पास लेकर जा रहा है, और यदि आप उसकी कीमत लगाते हैं तो वो कर्म आपको ईश्वर के पास नहीं लेकर जाएगा। आपने जो कीमत लगाई है वो आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, 200 की गिफ्ट मिल सकती है लेकिन 300 की भी मिल सकती है, लेकिन ईश्वर के पास नहीं लेकर जाएगा वो कर्म। जैसे हम जैसे दुकान में जाते हैं और दुकानदार ने यदि साड़ी की कीमत लगा दी 1000 रुपया, हमने कीमत पूछी कि इसकी कीमत क्या है, हमें लगा कि ये कम से कम 1200-1300 की होनी चाहिए, लेकिन दुकानदार ने बताया 1000 रुपया,
तो फिर हम क्या करते हैं, हम कहते हैं अरे भाई क्या तुम ऐसे बेच रहे हो, मुझे तो लगता है ये तो 1200 की होनी चाहिए, चलो 1100 ले लो मुझसे। कोई ग्राहक कहता है ऐसा? ऐसा कभी आपने खरीदी की है? कभी नहीं। हम उल्टा क्या कहते हैं, क्या क्या बात कर रहे हैं आप, 1000 रुपए? अरे मैंने उस दुकान में ऐसी ऐसी साड़ी को देखा है, 800 की थी, आप ये क्या बेच रहे हैं। फिर बार्गेनिंग करते करते 900 950, कुछ नहीं तो हम कहते हैं चेंज नहीं है मेरे पास, ये 980 ले लो। 1000 रुपए नहीं देंगे उसको, या ज्यादा से ज्यादा 1000 ही देंगे। यानी एक बार दुकानदार साड़ी की कीमत 1000 बोल देता है तो उसको कोई भी ग्राहक 1000 से ज्यादा 1 रुपया भी नहीं देगा, उसको 1000 या 1000 से कम ही मिलेगा। उसी प्रकार मैंने मेरे कर्म की कीमत लगा दी, क्या कीमत लगा दी कि इसने मेरी तारीफ करनी चाहिए, तो ज्यादा से ज्यादा मुझे तारीफ मिलेगी, लेकिन मैंने ये जो काम किया जो मुझे ईश्वर के पास ले जाने वाला है वो नहीं मिलेगा। अभी तारीफ मिली तो मेरा अहंकार बढ़ गया, नहीं मिली मेरा गुस्सा बढ़ गया, यानी मेरी चित्तवृत्ति बढ़ गई, मन और कलुषित हो गया, यानी कर्म करने से और समस्या में आ गई। जैसा कहते हैं ना, कर्म ये पानी जैसा है, और हम यानी जहाज जैसा समझना है, यानी जहाज पानी के कारण ही प्रवास कर सकता है, लेकिन वही पानी जहाज में आ गया तो जहाज डूब जाता है। उसी प्रकार कर्म के कारण ही हमारा विकास होता है, हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं, लेकिन यदि वो कर्म अपेक्षा से हमारे अंदर आ गया तो हम डूब जाते हैं। इसीलिए ये तीसरा यानी ये भी कर्मयोग जो है, तो योग जो है ये जीवन पद्धति है, इसीलिए उसमें दो प्रकार की साधना है, द्विविध साधना। एक साधना है समाहित अवस्था में करने की साधना, यानी स्वयं के मन को अंतर्मुख करते हुए, शांत करते हुए, इंद्रियां को अंदर की तरफ ले जाते हुए मन को शांत करना, चित्त वृत्ति का निरोध करना। फिर उसके लिए शरीर स्वस्थ होना है, इसलिए आसन करना, प्राणायाम करना, मन के वेग को शांत करने के लिए प्राणायाम करना, धारणा करना, ध्यान करना, ये सारा है समाहित अवस्था की साधना है, यानी टू गेट कनेक्टेड टू अवर इनर बीइंग, हमारे आत्मा में स्थित होने के लिए, हमारा जो अंदर एक अखंड शक्ति का स्रोत है उसके साथ कनेक्ट होने के लिए। रोज हमें मोबाइल चार्ज करना पड़ता है ना, नहीं करने से मोबाइल चला गया, तो उसी प्रकार रोज ये मोबाइल चलना है, इससे मोबाइल रहना है, तो रोज हमें कनेक्ट करना पड़ता है अपने आत्मशक्ति के साथ, अपने आत्मस्वरूप के साथ। इसलिए रोज आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान थोड़ा देर करना ही है, ये एक। लेकिन योग यानी सिर्फ ये नहीं, क्योंकि हम 24 आवर्स ये नहीं कर सकते आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, तो हमें समाज में काम करना है, घर में काम करना है, अपने पेट पानी का देखना है, सारा कुछ करना है। तो इसके लिए जो दूसरी साधना है वह है व्युत्थान अवस्था की साधना, यानी जब मैं समाहित अवस्था में नहीं हूं, व्युत्थान अवस्था में हूं, तब मेरा व्यवहार कैसा होना है, और वह व्यवहार कर्मयोग जैसा होना है, वह व्यवहार यम नियम को लेकर होना है। यम, जैसे यम का मैं एक ही बात बताऊंगी, सत्य, यम में 5 है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, हर एक का एक एक का विवेचन, यानी बहुत, अरे ये विषय ही बहुत बड़ा है, यानी इस पूरे अस्तित्व के साथ मेरा व्यवहार कैसा हो ये यम निश्चित करता है, यानी ये 5 यम, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 निश्चित करता है। क्योंकि ये एकात्मता की उपासना है, हम सब परस्पर जुड़े हुए हैं, यदि मैं दूसरों को दुख देती हूं यानी हिंसा करती हूं, दूसरों को मेरे शब्दों से, कृति से दर्द पहुंचाती हूं, तो ये दूसरा नहीं है, ये मेरा ही विस्तारित स्वरूप है, कभी ना कभी वो वापस मुझे आने वाला है। उतना ही नहीं, आप ही स्वयं देखिए, यदि हम घर में कुछ गलत बात करते हैं, यानी हमने किसी को गलत
गुस्से में जवाब दे दिया, उल्टा सीधा बोल दिया। बोलने के बाद हमें भी पता है अंदर से ये गलत है, और हमने बोल दिया तो हम भी अंदर से आहत होते हैं, हमें पता नहीं लगता है, हमें लगता है, हमें तो समाधान ऊपर से लगता है कि हाँ ये हमेशा ऐसा कहता था, मैंने उसको उल्टा सीधा सब सुना दिया आज। एक्चुअली उसको सुना नहीं चाहिए, ये क्या है ना, ये हमेशा ऐसा करता है, कभी ना कभी तो उसको पता चलना चाहिए। हमारी अंदर चक्की शुरू हो गई, समर्थन की चक्की, हमने जो किया उसके समर्थन की चक्की अंदर चलने लग गई, इसका मतलब ही हमने जो बताया वो गलत था। यदि जो सही है वो व्यवहार किया तो अंदर चक्की चलने की जरूरत ही नहीं है। बार 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 वही विचार हम करते रहते हैं, इसका मतलब हम विचार प्रवाह में फंस गए। इसीलिए अहिंसा यानी दूसरों के साथ मेरा व्यवहार कैसा होना है, तो ये मेरा ही विकसित स्वरूप है, मैं स्वयं को कभी हिंसा नहीं पहुंचाऊंगी, इसलिए मेरा व्यवहार दूसरों के साथ भी वैसा ही होना है। मैं स्वयं के साथ झूठ नहीं बोलूंगी, इसलिए दूसरों के साथ मैंने कभी झूठ नहीं बोलना है। सत्य है ना, ये भारत की विशेषता थी। आजकल हम छोटी छोटी बातों में अननेसेसरी भी झूठ बोल देते हैं, कोई जरूरत नहीं। हमेशा सत्य को लेकर व्यवहार करने वाला राष्ट्र ऐसे अपने देश की 19वीं सदी तक अपने देश की पहचान थी। ये मैक्स मुलर है ना, मैक्स मुलर जो भी ब्रिटिश के ऑफिसर्स भारत में काम करने के लिए जिनका ट्रांसफर पोस्टिंग होता था, उनको मैक्स मुलर भारत के बारे में भाषण देता था। उसमें एक भाषण है, व्हाट इंडिया कैन टीच अस, एंड इन दैट ही सेज इंडियंस आर एक्सट्रीमली ट्रूथफुल, व्हेन दे से यस आई विल डू इट दे डू इट। हम कहां से कहां आ गए, आज सत्य हमारे जीवन से चला गया, अहिंसा चली गई। अस्तेय अपरिग्रह हर एक के बड़े गहरे अर्थ हैं। तो इसीलिए पतंजल ऋषि कहते हैं हम 24 आवर्स आसन नहीं कर सकते, हम 24 आवर्स प्राणायाम नहीं कर सकते, लेकिन पतंजलि ऋषि कहते हैं एते जाति देश काल समयान अवच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रता। ये यम जो है ये हमेशा करने के हैं। यदि यम को छोड़ दिया तो आपकी बाकी सारी योग की साधना समाप्त हो गई। यदि सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह ब्रह्मचर्य आपके जीवन से चला गया, ब्रह्मचर्य का अर्थ अनमैरिड नहीं है, यानी विवाहित व्यक्ति भी ब्रह्मचर्य से, यानी उसके भी कोई नियम है, उस नियम के अनुसार रहना, और ये सारा योग शास्त्र में दिया है। यानी दूसरा एक जो एक सतत अपोजिट सेक्स का जो एक आकर्षण युवावस्था में तो ज्यादा ही, और अपने टीवी और ये सारा ज्यादा ही दिखा रहे, और उसके कारण सतत हमारे विचारों का प्रवाह जो उसी दिशा में सतत घूमते रहते हैं, इसी के लिए समाज में वैयक्तिक जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन। फिर नियम आ गए, नियम में फिर बहुत एक महत्व का है, जो जो यदि हमारे देश में हमें योग अपने जीवन में लाना है तो पहले ये लाना पड़ेगा, इसीलिए शायद अपने सरकार ने उसको भी लाया है, वो है शौच। शौच यानि शुद्धता, स्वच्छता, वो शुचिता अपने अंदर अपने बाहर, मेरे कारण कुछ भी दूषित न हो। तो क्या जीरो, क्या कहते हैं उसको, शून्य कचरा निर्माण करने वाली मेरी लाइफस्टाइल हो सकती है क्या? मैं प्रवास कर रही हूं, कुछ तो भी मैंने ये पी लिया कब बाहर से फेंक दिया, अभी डस्टबिन लगे हैं, हम डस्टबिन में डाल सकते हैं, थोड़ा उठने का कष्ट है, इतनी देर गाड़ी में बैठे उठने से तो थोड़ा अच्छा है शरीर के लिए भी, लेकिन हम उससे फेंक देते हैं। छोटी छोटी बातें, अनेक बातें, यानी हम यदि योग को सच में जीवन में धारण करेंगे ना, इस देश को कोई रोक नहीं सकता। फिर उसमें और जो महत्व का आता है वह है स्वाध्याय, यानी
आज जिस प्रकार से इंफॉर्मेशन वेग से ट्रेवल करती है, एक बार कोई कुछ तो भी किसी के भी नाम से इसमें डाल देता है व्हाट्सएप में, दूसरा कोई उसको वेरीफाई न करते हुए उसको क्या करता है, भेजता रहता है, वो चलता रहता है। फिर हम कहते हैं प्रधानमंत्री ने ऐसा अपील किया है, इस मिनिस्टर ने ऐसा बोला है, इस नेता ने ऐसा बोला है। ऐसा होता ही नहीं है, होता है नहीं भी होता है, क्यों ऐसे इसमें जाना है। किसी भी चीज को अच्छी तरह से समझे और उस प्रकार से ही, यानी जीवन में हम दुष्प्रचार का कभी शिकार ना हो, इतना स्वयं को, स्वयं की जो मेधा और श्रद्धा, इन दोनों को विकसित करना है। श्रद्धा, यह समाज हजारों बरस एक साथ रहा है, कुछ गलत घटना हो भी गई है तो भी ये समाज बुरा नहीं है, और पूरे समाज को तुरंत बोलना शुरू कर दिया, मुझे आती है वगैरह वगैरह, ये जो सारा हम करके और फैला देते हैं, बड़े दुर्दैव की बात है। फिर स्वयं के बारे में जानना, उसके लिए स्वाध्याय, मेरे राष्ट्र के बारे में जानना। जैसे मैंने बताया, एमए इंग्लिश लिटरेचर पता नहीं, एमएससी मैथ्स पूछो, भारत का गणित में क्या योगदान रहा है पता नहीं, आजकल ज्यादा से ज्यादा जीरो और डेसिमल सिस्टम इतना ही कहते हैं और पता नहीं। अनेक बातों में आज हमें ना अपने राष्ट्र के बारे में पता है, अपने स्वयं के बारे में पता है, और इसीलिए कोई भी हमारा गलत फायदा उठाता है। आज ये एकदम आम फैशन है, ऐसे बैठ गए ना किसी के घर में चाय पी रहे, अरे क्या है अपने देश की ना राजनीति एकदम बेकार है, ये पॉलिटिक्स इज वेरी डर्टी, और पॉलिटिकल लीडर्स बेकार है, क्यों उनको बोलना है। आप मुझे एक क्षेत्र बताइए हमारे अपने सामाजिक जीवन का जो अच्छा है, जिसमें आलस नहीं है, जिसमें गलतियां नहीं है, जिसमें भ्रष्टाचार नहीं है, जिसमें दुर्व्यवहार नहीं है, बताइए, एक भी क्षेत्र नहीं है। तो ऐसे बोलने से क्या होने वाला है, हम क्या उदाहरण खड़े करेंगे, ऐसा हमें बोलना है। यानी स्वाध्याय से, स्वाध्याय प्रवचनात्मा प्रमदितव्य, अच्छी बातें सीखेंगे, अच्छी बातें ही फैलाएंगे, बताएंगे, प्रकर्षेण वचनम, प्रवचन यानी बैठ के वचन प्रवचन किया ऐसा नहीं, अच्छी बातें ही फैलाएंगे। ये भी एक बहुत आवश्यक है, नहीं तो हम सारे इसके शिकार हो रहे हैं आज, हमें बातें ही पता नहीं, मूल में जाते नहीं। मैंने आपको बताया नहीं क्या क्या भयानक वो इन्वेडिंग द सेक्रेट वो पुस्तक में लिखा है, मैं बोल भी नहीं सकती ऐसा लिखा है। उसका जवाब देना है तो जवाब देने के लिए हमारा अध्ययन नहीं, आज हमारे देश में ऐसे लोग चाहिए कि जो पूरा अध्ययन करते हुए बताए, अच्छा ये व्यक्ति ऐसा लिख रहा है तो उसका एक्सरे लेना हमें आना चाहिए कि इसकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है, कि जो अच्छा ही में भी बुरा ही देखता है। अनेक प्रकार से आज हमें स्वयं को तैयार करना है, ऐसा कहते हैं ना कि खुदकुशी करनी है तो एक छोटी सी पिन पर्याप्त है, मैं वो पिन से यदि मेरी ये काट लूं वेन को, हाँ ऐसा ऐसा कुरेद लूं और वेन तक पहुंच जाऊं तो 4-5 मिनट में व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी ब्लड लॉस के कारण। खुदकुशी करनी है तो एक छोटी सी पिन पर्याप्त है, लेकिन दूसरे को मारना है तो फिर तलवार चाहिए। उसी प्रकार आज यदि मेरे देश के ऊपर होने वाले जो बौद्धिक अत्याचार है उसको यदि रोकना है, और वो अत्याचार कहीं दूर नहीं हो रहे हैं, सिर्फ एकेडमिक फील्ड में नहीं है, वो धीरे 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 हमारे विश्वविद्यालय में आ रहे हैं, हमारे बच्चों को ऐसा पढ़ाया जा रहा है, हमारे बच्चे पढ़ाई करने के बजाय उसी प्रवाह में बहते जा रहे हैं, अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, जिनके माता पिता ने दुर्गा की पूजा की है आज उसी को वो उल्टा सीधा बोल रहे हैं। ये हमारे तक पहुंचा है, हमारे घर तक पहुंचा है, हमारे बच्चों तक पहुंचा है, हमारी अगली पीढ़ी कैसी रहेगी, फिजियोलॉजिकली कैसे रहेगी, कितने प्रेशर के कारण क्या बीमारियां उनमें होगी हम जानते नहीं, क्या बौद्धिक बीमारियां होगी हम कह नहीं सकते,
ऐसा वातावरण जब दूषित हो रहा है उसको ठीक करने का दायित्व तो हमारा है, और वो योग जीवन पद्धति से होगा। हम कोई हमें गाली दे रहा है इसलिए हम उनको गाली देंगे ऐसा नहीं है, हम स्वयं में पक्के हो जाएंगे कि कोई हमें उड़ा नहीं सकता है। फिर तो ऐसा अध्ययन अपना होना पड़ेगा, ऐसा जीवन में वो लाना पड़ेगा, और इसी के लिए यह योग और स्वाध्याय ये बहुत नित्य रूप से ये करने की बात है, क्योंकि ये जीवन पद्धति है, ये 24 आवर्स की बात है। जैसे श्री अरविंदो कहते थे हमें इंटेलेक्चुअल वॉरियर्स चाहिए, वैसे इंटेलेक्चुअल योद्धा, बौद्धिक योद्धा हमें चाहिए कि हमारे देश में हमारी सोच भी सही हो, हम सही मार्ग पर जाए, एकदम पूरे दम से जाए, पुरुषार्थ से जाए, और इस राष्ट्र में जन्म लेने का जो भाग्य हमें मिला है उस भाग्य को हम साकार करें, इस भारत राष्ट्र को फिर से विश्व गुरु के स्थान पर प्रतिष्ठित करते हुए। इस योग ये सिर्फ आसन प्राणायाम नहीं है, तो वह समाधान के साथ परिवार, समाज, राष्ट्र और सृष्टि के साथ जुड़े हुए रहते हुए जीवन जीने की एक पद्धति है। यह संदेश हम पूरे विश्व को दे, इसी प्रार्थना के साथ मैं समाप्त करती हूँ। नमस्कार।